हाय, मैं हूँ सुरभि। अनुपम आहार में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे सबका फेवरेट मैकडोनल्ड स्टाइल पिज्ज़ा पफ। इससे पहले यदि फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि मेरी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपने अब तक इंस्टाग्राम पे मेरे पेज अनुपम आहार को फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से फॉलो कर दीजिए। तो चलिए पिज़्ज़ा पफ बनाना हम स्टार्ट करते हैं। पिज़्ज़ा पफ बनाने के लिए सबसे पहले हम मैदे का आटा बनाकर तैयार कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है 2 कप मैदा। उसमें हम डाल देते हैं आधा चम्मच नमक और डाल रहे हैं हम 1 चम्मच बेकिंग पाउडर। अब हम यहाँ डाल देते हैं 1/4 कप ऑयल, यानी 1/4 कप ऑयल। मैं यहाँ पे ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इन ऑयल को और मैदे को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद हमें देखना होगा कि मैदा थोड़ा अच्छे से बाइंड हो रहा है, इसका मतलब इसमें ऑयल परफेक्ट है। यह हम मिक्स करके देख लेते हैं। ये देखिए, मैदा इस तरह से थोड़ा सा बाइंड होने लगा है, मतलब ऑयल परफेक्ट है। अब हमें इसका टाइट आटा गूंद कर तैयार करना होगा। तो इसके लिए हमें लेना होगा फ्रिज का ठंडा पानी। हम फ्रिज के ठंडे पानी से थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका बढ़िया टाइट आटा बनाकर तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको पानी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके डालना है क्योंकि आटा हमें बिल्कुल टाइट रखना है। तो हम इसका आटा बनाकर तैयार कर लेते हैं। देखिए, टाइट आटा मैंने बनाकर तैयार कर लिया है। अब इस आटे को ढककर 15 से 20 मिनट के लिए हम रख देते हैं ताकि अच्छे से सेट हो जाए। जब तक आटा सेट होता है तब तक हम स्टफिंग बनाकर तैयार कर लेते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए मैंने गैस पर एक पैन गर्म होने रख दिया है। उसमें हम डाल देते हैं 3 से 4 स्पून ऑयल। ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। अब इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट और 1 ही चम्मच डाल रहे हैं अदरक का पेस्ट। आप यहाँ पर पतला पतला कटा हुआ लहसुन अदरक भी ले सकते हैं। इसको थोड़ा सा कुछ सेकंड के लिए हम इस तरह से सेक लेते हैं। अब इसमें डाल देते हैं 1 कटा हुआ प्याज। आधी कटोरी डाल रहे हैं कटी हुई गाजर और आधी कटोरी ही डाल रहे हैं कटी हुई शिमला मिर्च। इन वेजिटेबल्स को थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें डाल देते हैं आधी कटोरी ग्रीन मटर और आधी कटोरी ही डाल रहे हैं यहाँ पर स्वीट कॉर्न। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं और 1 से 2 मिनट के लिए इसे इस तरह से सेक लेते हैं। अब हम डाल देते हैं 1/2 चम्मच नमक, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच डाल रहे हैं ओरिगेनो पाउडर और 1/2 चम्मच ही डाल रहे हैं इसमें चिली फ्लेक्स। इन मसालों को हम वेजिटेबल्स के साथ फिर से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें डाल देते हैं 2 चम्मच टमाटो सॉस और 2 चम्मच ही डाल रहे हैं रेड चिली सॉस। अगर आप थोड़ा कम स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो आप चिली सॉस स्किप भी कर सकते हैं। और पर पिज़्ज़ा पफ है थोड़ा सा स्वीट टेस्ट और थोड़ा सा स्पाइसी टेस्ट ये टमेटो सॉस और रेड चिली सॉस के कारण आएगा, तो ये बहुत बढ़िया फ्लेवर लगेगा। फ्रेंड्स, आप इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दीजिए। और अब इसमें डाल देते हैं हम 1/2 कप पानी। पानी को मिक्स करने के बाद हम इसे 2 मिनट के लिए ढककर पकने देते हैं ताकि वेजिटेबल्स अच्छे से पक जाए और पानी भी थोड़ा ड्राई हो जाए। तो इसे 2 मिनट के लिए हम ढककर पकने रख देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, स्टफिंग बन के बिल्कुल रेडी हो गई है। अब गैस कर देते हैं बंद और इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देते हैं। फ्रेंड्स, देखिए स्टफिंग कितनी कलरफुल बनकर तैयार हुई है।
अब स्टफिंग अच्छे से ठंडी हो गई है तो इसमें डाल देते हैं हम आधा कप ग्रेटेड मोजरेला चीज़ और चीज़ को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब मैदे का जो आटा हमने बना के रखा हुआ था वो अच्छे से सेट हो गया है। इसको हाथों की हेल्प से थोड़ा सा स्मूथ कर लेते हैं और इसके 4 या 5 पोर्शन बनाकर हम तैयार कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इसके बहुत छोटे छोटे पोर्शन बनाने की ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि हमें पिज़्ज़ा पर बहुत पतला बेलकर नहीं तैयार करना है। तो 4 या 5 पोर्शन जितने बन के तैयार हो जाते हैं मैं उतने पोर्शन बना के तैयार कर लेती हूँ। मैं इस तरह से ये 5 पोर्शन बनाकर तैयार कर लेती हूँ। ये देखिए 5 पोर्शन बन के तैयार हो गए हैं। अब इसमें से हम एक पोर्शन ले लेते हैं और थोड़ा सा ड्राई आटा डस्ट करके इसकी एक रोटी बनाकर तैयार कर लेते हैं। इस तरह से रोलर की हेल्प से एक रोटी बनाकर तैयार कर लेंगे। देखिए मैंने रोटी बेलकर तैयार कर ली है। अब इस रोटी के चारों साइड्स के जो ये अनइक्वल पोर्शन से उनको इस तरह से कट करके अलग कर देते हैं और ये चारों तरफ से इस तरह से कट करते जाते हैं। ये देखिए इस तरह से चारों पोर्शन कट करने के बाद हमें कुछ इस तरह का एक स्क्वायर शेप मिल जाएगा रोटी का। अब इसको भी हमें थोड़ा सा ऑलमोस्ट दोनों दो पोर्शन इसके बनाने हैं और दोनों को इक्वल पोर्शन में इस तरह से रखना है। ये देखिए कुछ इस तरह से डिवाइड करिए कि ये दो इक्वल पोर्शन बन के तैयार हो जाए। अब इसमें से हम एक पोर्शन ले लेते हैं पहले। इसका थोड़ा सा जो भी अनइक्वल पोर्शन है उसे हटा देते हैं, एक पीस ले लेते हैं और फिंगर की हेल्प से इसके चारों कॉर्नर्स पे पानी लगा देते हैं और सेंटर में हमने जो स्टफिंग बना के रखी हुई थी उसको इस तरह से सेट करके थोड़ा सा फैला देते हैं। ये देखिए इस तरह से स्टफिंग को फैला देते हैं और इस सेकंड पोर्शन पे भी हम थोड़ा सा पानी साइड्स कॉर्नर पे लगा देते हैं और इस पोर्शन को पानी वाले पोर्शन को इस तरह से ऊपर इस पे रख देते हैं और फिंगर की हेल्प से इसे थोड़ा थोड़ा प्रेस कर लेते हैं। ये देखिए प्रेस करने के बाद हम एक फोक ले लेते हैं यानी कांटे वाला चम्मच और उससे इस तरह से हम ये डिज़ाइन बनाकर तैयार कर लेते हैं पूरे पिज़्ज़ा पफ पर। देखिए कितना बढ़िया पिज़्ज़ा पफ बनकर तैयार हुआ है और ये चारों तरफ से अच्छे से कवर भी हो गया है। इसी तरह से मैं और भी पिज़्ज़ा पफ बनाकर तैयार कर लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने और भी पिज़्ज़ा पफ इस तरह से बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब इन्हें हम फ्राई कर लेते हैं। मैंने गैस पर एक कढ़ाई में ऑयल गरम होने रख दिया है। ऑयल तेज़ गरम हो गया है तो अब गैस को कर देते हैं मीडियम और 2 से 3 पिज़्ज़ा पफ एक बार में डालकर फ्राई कर लेते हैं। अब इसे हमें दोनों साइड से गोल्डन होने तक फ्राई करना होगा। पिज़्ज़ा पफ गोल्डन कलर के हो गए हैं। अब इसे हम ऑयल से निकाल कर प्लेट में रख देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने और भी पिज़्ज़ा पफ फ्राई करके तैयार कर लिए हैं और ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती हो तो मेरी वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए मुझे आपको ये रेसिपी कैसी लगी। फ्रेंड्स, आप एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिए। एक बार आप ये रेसिपी बनाएंगे तो आपसे बार बार ये रेसिपी बनाने की डिमांड होगी और आप भी घर में बहुत आसानी से इतने ही बढ़िया पिज़्ज़ा पफ बनाकर तैयार कर सकते हैं। जल्दी ही मिलते कोई नई अच्छी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।